हम शौक के मारे पड़े ना जाड़े में, रात भर तुम सो बताओ घन में, हम सो बताए चौड़े जंगल में। पिन्नी त्रिपाल टांग लिए बाकी कट्टन की त्रिपाल टांग लिए बाकी नीचे सो बताए जाड़े में बूंदन में। कुछ लोग तो जामे पड़े रहे तो बीमार है गए, दवा दबा के लाए अभी थोड़ी देर पहले, बीमार है गए। तो हमें शौक है हमारी जाति को सूचित कर दो, हम तो जाते चले जाएंगे। काय करे होंगे ना। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुजुर्ग, जो अहिरिया समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका तो जीवन अंधकारमय था, लेकिन वो उनकी पूरी कोशिश है, हर तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ इस अंधकार का सामना ना करें, जात प्रमाण पत्र बन जाए जिससे उनका भविष्य उजागर हो, जिसके लेकर ये जो अहिरिया समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं, लगातार भारी संख्या में आ रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी पूरी मांगें पूरी नहीं हो जाती, इनका जात प्रमाण पत्र नहीं बना दिया जाता, तब तक एको गार्डन में डटे रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अहिरिया समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं, इसमें कुछ काफ़ी वृद्ध हैं 80-85 की उम्र हो गई है, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, तो कई लोग विकलांग है, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, लगातार हर तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। जी दादा, मेरा नाम हरिराज है जी, मैं खैर बिशनपुरी जिला अलीगढ़ से हूँ। मेरी उम्र लगभग 50-55 के लगभग है। मेरे 4-5 बच्चे हैं, मैं विकलांग हूँ पैर से, मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वो भी पेंसिल कुछ नहीं मिलती मुझे, विकलांग पेंसिल भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। मैं मजदूरी करके फेरी वेरी लगा करके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे 2-3 बच्चे तो एडमिशन पे भी बैठ गए कि जाति प्रमाण पत्र ही नहीं है तो अब हमारी पढ़ाई कहाँ से होगी। अगली पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वाले स्कूल में प्रिंसिपल मांगता है कि जाति प्रमाण चाहिए, जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आगे को पढ़े कैसे। अब बंद हो गए वो, अब 2 बच्चे और रह गए छोटे छोटे, उन्हें पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और वो पढ़ जाएंगे, वो भी घर बैठ जाएंगे। मैं भी विकलांग हूँ, मेरे घर से भी विकलांग है। अब मेरे भविष्य को मेरे बच्चे भी नहीं सुधार पाएंगे, मैंने तो अपना जीवन काट लिया जैसे काट लिया। मेरे बच्चे, मेरा जीवन, मैं सोचता था कि मेरे बच्चे कुछ भविष्य में मेरा नाम उज्जवल करेंगे, वो भी नहीं कुछ करवा रहे। तो हम तो सारे देश ही बना हमारी योगी से, मोदी से, हम जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई है हम उन्हीं को वोट देते चले आ रहे हैं। हमने इसी प्रशासन पे भरोसा किया था कि हमारी ये योगी सरकार सुनेगी, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक और विकलांग थे, अब ये देखिए दोनों पैरों से विकलांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और विकलांग है तो कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। वहीं विकलांग पेंसिल, जब जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बना हुआ है तो विकलांग पेंसिल कहाँ से बनेगी, इनसे बात करेंगे। जी भैया। सर मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, गाँव रेसरा से और जिला अलीगढ़ से हूँ। सर मैं पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ टाइम तो पढ़ा था तो उस टाइम तो मैं जनरल से फाइट कर गया था कुछ टाइम, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और मुझे परेशानी का बहुत सामना करना पड़ रहा है, ना ही पेंसिल मिलती है। मेरे पापा ना कोई जॉब है ना कुछ है, वही बेलदारी करते हैं और अपना काम चलाते हैं, और हमारी जाति प्रमाण पत्र नहीं बननी है तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सोच, युवा हैं अहिरिया समाज में, युवा हैं, इतने बुजुर्ग लोग आए हुए थे, आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं जात प्रमाण पत्र ना होने की वजह से, क्योंकि युवा हैं, सारी समस्याएं से अवगत हुए होंगे, आप विकलांग भी हैं, क्या कुछ समस्याएं, पूरी समस्या आप खुल के बताइए। मेरी समस्या पहला नंबर तो यही है कि एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अब मैं बीएड में एडमिशन करा रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है, और दूसरी समस्या ये है कि नहीं पेंसिल मिलती है, और तीसरी समस्या क्या बताऊँ सर, परेशानी मतलब ये है कि काफ़ी हो रही है बेघर जाती परेशानी वगैरह, और इतना है कि मेरा और कोई तो नहीं है कि मैं कमा के खा लूँगा, बेलदारी करके खा लूँगा। मेरा भी लक्ष्य यही है कि मैं नौकरी लग जाएगी तो मैं कर खा लूँगा अपना। मेरा जीवन ही यही है कि मेरा दोनों पैरों से विकलांग हूँ, 90% हूँ मेरा, मुझे लग रहा है कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा सर्टिफिकेट होगा तो, और मुझे अब लग रहा है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। आज गेट में पूछ, आप देख सकते हैं पढ़ने में होनहार हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र की वजह से इनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, क्योंकि आगे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी,
नौकरी की उम्मीदें हैं लगातार बरकरार हैं, क्योंकि ये पढ़ने में भी अच्छे हैं, जनरल को टक्कर दे रहे हैं, ये बताइए भाई आपके जो समाज में छुआछूत का भी दिक्कत है क्या कुछ? सर पहले थी छुआछूत की दिक्कत थी, पर लेकिन अब भी है, क्योंकि हमारे जाति के लोग होते हैं वो पहले शिकार करते थे, तो शिकार पर में प्रबंध लगा दिया गया था, तो अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। छुआछूत की बीमारी बताइए, जैसे जैसे उच्च जात के जो हैं जनरल, छुआछूत काफ़ी है मेरे अंदर, हमारे हमारे लोगों के समाज के लोगों एरिया समाज के लोगों से छुआछूत काफ़ी करते हैं, क्योंकि स्कूल में भी हम भी जाते हैं तो उसमें भी छुआछूत होती है, तो हमको भी बुरा लगता है काफ़ी। जी दादा आप बताइए खुल के, क्योंकि आप सारी समस्याओं का देख चुके होंगे, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ जी, रमेश मेरा नाम है, और साफ जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हम यहाँ पर पड़े हैं। स्कूल बच्चे जाते हैं, मास्टर वापस कर देते कि अपने जाति प्रमाण पत्र लाओ, जब जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पढ़े कहाँ से? बहुत बहुत ही समस्या है, बहुत दिक्कत है हमारे लिए, जो हम यहाँ पर आपके प्रदर्शन पड़े हैं यहाँ पर, हमें कोई किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलता है। और छुआछूत को लेकर भी कुछ समस्या है? हाँ छुआछूत भी हमसे घिन मानते हैं लोग, दूर बचते हैं, दूर बैठो, इस तरह की आज के जमाने में। हाँ इस तरह की आज के जमाने में यही बात चल रही है हमारे साथ, बहुत ही दिक्कत, बहुत परेशानी है हमारे लिए। जी अम्मा क्या कुछ कहेंगी? मेरा नाम तारा बतिया, मैं हाथरस जिले की हूँ, गांव मेरा मिर्जापुर है, गांव मेरा मिर्जापुर है, हाथरस जिले की हूँ। जहाँ कहीं जाते हैं मोदी साहब, जहाँ कहीं जाते हैं मई मीटिंग जुड़ती है, मैं ये कहते हैं मैं सबको सिखाऊंगा, सबका काम करूंगा, जिसका काम नहीं बने वो मुझसे मिले, मैं सबका काम पूरा करूंगा। तो आज हमारा काम एक ही है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाए मोदी जी, तो क्यों नहीं सुनने हमारी? 9 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे भूखे प्यासे, और वो सुनते नहीं है कि कोई यहाँ धन्ना में बैठा है या नहीं बैठा है। हमने तो ये सोचा था कि फूल खिलेगा खिलेगा, खिल के रहेगा, उसका सहारा मिलेगा, खुशबू मिलेगी, हमारा काम बनेगा, पर मोदी जी कुछ नहीं करते हमारे लिए। तो ऐसा करें कि नहीं करते हैं तो किसी को जेल फेल में ही डालते, तो वहीं पड़े रहेंगे हम, खाना तो मिलता ही रहेगा हमको। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे बच्चे पढ़े गए लिखे गए, अब जब तो कोई लेता नहीं था जाति प्रमाण पत्र को, अब तो जो कोई मांगता है तो जाति प्रमाण पत्र मांगता है, तो नहीं दाखिला नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो दाखिला कहाँ से होगा, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ भी जाते हैं तो वही मेहनत मजूरी करते हैं, वह कुछ ही कोई काम नहीं आता उनके, मेहनत मंजूरी के सिवा कुछ क्या होता है? 200 रुपये की मेहनत में कोई कुछ कर लेगा कि कर ढलेगा, तो बच्चों को पढ़ाएगा कि खाएगा खुद? इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जी आपके धन्य दरवाज पर आए हुए हैं, कुछ तो सुनवाई कीजिए हमारी, कि यहाँ कैसे पढ़े हो कैसे नहीं पढ़े हो, कहीं जाओ तो माँ कोई कहता अभी आए नहीं है, आपका काम हो रहा है चल रहा है, कि कब तक चलेगा, कब तक होगा ये काम हमारा, कब तक नहीं होगा? इसलिए हम बस धरना लगा के बैठे हैं कि क्या कहते हैं हमारा जाति प्रमाण बन जाए, तो धन्यवाद मोदी और योगी के लिए, दोनों के लिए। और नहीं ये आँख में दिक्कत है आपकी, एक आँख में, तो उसकी कोई पेंसिल वेंसिल बनी थी? कुछ नहीं ना पेंसिल है ना, विधवा पेंसिल भी नहीं है मेरे पास। जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं सब लोग, जाति बनवा तब भी मांगते हैं, पेंशन बनवा तब भी मांगते हैं, तो किस लिए तो बन जाएगी पेंशन? जाति में बनती है, जाति दोगे तो जाति पेंशन बन जाएगी, राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, तो कौनो सुविधा नहीं मिल पाती है। मेरा नाम सिया देवी है, मैं जिला बलेंसर से बोल रही हूँ, और मेरा एक लड़का है, मैं भी विधवा हूँ, मैंने उसे मजदूरी करके 8-10 तक पढ़ा दिया, फिर उसने मैंने कि बोला मम्मी मैं आगे पढ़ूँगा, तो मैंने कहा ठीक है बच्चे मैं पढ़ाऊँगी, तो मैं कॉलेज में गया तो बोले कि जाति प्रमाण पत्र, वो वापस आ गया, मम्मी जाति प्रमाण पत्र तो है नहीं, दाखिला नहीं दे रहे, तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने हमारा जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया, जाति को सूचीबद्ध नहीं कराया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते नहीं हैं। तो मैंने बेटे हम क्या करें, सरकार सुनती नहीं है, वोट लेती है, वो कह देती हम कराएंगे काम। मतलब बताइए लड़के पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी बस नहीं पढ़ पाते हैं, समस्या सब बोल दीजिए। भैया मैं जिला एटा से बोल रही हूँ, हमारे अहेरिया समाज में कोई सुविधा ना है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़वे को कोई सुविधा ना मिलते, पढ़े लिखे डोल रहे हैं, कोई घास खोद रो है, कोई मट्टी काट रो है, कोई बुग्गी चला रो है, तो कोई काऊ की 50 उंगटी सूदी सुन के घर ही बैठ गो आए के, और एक कितने पढ़ा लो बच्चन को, कितने पढ़ा लो, कोई न तो नौकरी है, ना कोई पेंसिल है, ना कोई वजीफा है, बालकन को कोई कछु ना मिले। और हम लोग बहुत दिन से जो मांग कर रहे हैं अपनी, हमें है गई
70 साल है गई मांग करते करते। हर सरकार से आस लगाते हैं और कोई सरकार हमारी सुंदरा वोट तो ले, सब सरकार लेती है, लेकिन हमारी जाति को कोई सूचित बद नहीं करती है। और हमारे एक एटा जिला में धरना में 2 महीने का धरना लगाया तो हमारे एक जवान भाई खत्म हो गए, तो हमारे कही जाए इस लाश को उठा लो इस धरने पैसे तो हम तुम्हारी जाति को सूचित बद करेंगे, इस धरने को उठाओ। जबरदस्ती उठवा दी लाश कि हम तुम्हारी जाति दे रहे हैं, हमें कागज भी लिख के दे दे कि तुम्हारी जाति के लोग हमने निशान कर दे, तुम्हारी जाति अब जामे आ जाएगी, एससी में आवेगी तुम्हारी जाति और तुम्हारी जाति को हम करेंगे। और लेकिन थोड़े से दिन पीछे का उन्होंने सुनवाई ना करी, हम आए के वहाँ पर लाश लगा दी, लाश लगवाई जबरदस्ती लाश लगवाई गई पुलिस बारे और लगवा के लाश, कोई आज तक कोई सुनवाई ना भाई। अब हमारे जगह जगह धरना लग रहे हैं, वो रैली कर रही हैं, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं है रही। आज हमें यहाँ 9 तारीख से बैठेंगे, एक हमने 29 सितंबर को एक रैली करी जाते विधानसभा से जाइको गार्डन तक, हमारी जब कोई सुनवाई नहीं भाई। और अब हम 9 दिन आते बैठे भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं, अब सब एक टाइम काउदना खिचड़ी बना लें तो काउदना दलिया बना लें, काउदना एक टाइम पूड़ी बना लें तो सरकारी कर्मचारी कहते हैं तुम तो पूड़ी बना के खा रहे हो, या क्या हमारे पास चूल्हे रखे हैं सब रोटी बना के खा लें, क्या खाएं? हमारे पास चूल्हे की सुविधा करो, लकड़ी कंडा की सुविधा करो, हम रोटी बना के खाएंगे, क्यों दलिया बनाएंगे, क्यों हम ऐसे जाड़े में चावल बना के खाएंगे? हमें शौक है दलिया चावल खाने को, तुम घर में बैठ के अच्छे अच्छे पक वो खा सकते हो खाने बना के, तो हम का सूखी रोटी बना के खा सकते हैं, हमारे पास यहाँ कंडन की सुविधा करो, लकड़ी की सुविधा करो, चूल्हे की सुविधा करो, हम रोटी बना के खाएंगे। सुविधा काय करें, मतलब हम कोई शौक के मारे यहाँ थोड़ी, हम शौक के मारे पड़े जाड़े में, रात भर तुम सोता हो घन में, हम सोते हैं चौड़े जंगल में, पिन्नी त्रिपाल टांग लिए बाकी कट्टन की त्रिपाल टांग लिए बाकी नीचे सोते हैं जाड़े में बूंदन में, कुछ लोग तो जामे पड़े रहे तो बीमार है गए, दवा दबा के लाए अभी थोड़ी देर पहले बीमार है गए, तो हमें शौक है हमारी जाति को सूचित कर दो, हम तो जाते चले जाएंगे, हम काय परे रहेंगे ना, और काय हम जब पूरी पुआ खाएंगे बना के, हमारे बच्चों की इतनी सुविधा आ रही है, दिक्कत आ रही है सामने करना पड़ रहा दिक्कत को, जब पढ़ाई लिखाई को हम अब तो काय हमारे बच्चा को पहले नंबर में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हम अब कहाँ से लामें, हमारी सरकार सुनती नहीं है, जाओ राज दरबार में जाओ, तो कल करेंगे परसों करेंगे आएंगे बताएंगे, जब पता ही नहीं है कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, हमारी आवाज़ उनके पास पहुँचा रहे हैं ना आए या वो ही नहीं सुन रहे, हमारा तो जब आमनो सामनो होगा और हमें मोदी जी या योगी जी बताएंगे कहीं ना कहीं सामने आमने के बात कर रहे हैं तो जब ही तुम्हें पता पड़ेगी, अब हमें क्या पता है, उन्हें ले लें जन कर उनके पास पहुँचाई कि जन अपने पास रख लें, कोई हमें पता तो ना है, अब हमें तो जब पता पड़ेगी हमारी आमने सामने बात हुए तो हमें उनके सामने ले जाके खड़ा करें ना और हम तो पेश करें, जब हम बताएंगे वो हमारी सुने हम उनकी सुनेंगे, जब हमें तो असली पता असलियत की तो जब पता पड़ेगी हमें कि कहाँ चक्कर चल रहा कहाँ बात है कहाँ बात ना है, तो हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं यहाँ अपने बच्चन की वजह से, हम बहुत बहुत दूर के पर हैं 600-700 किलोमीटर से आ रहे हैं हम यहाँ, तो हम परेशानी में तो आ रहे हैं, कोई हमें शौक है पर घर छोड़ के बालक बच्चन छोड़ के और पर हैं जहाँ हमारे बच्चा घर बीमार पड़े हैं, जहाँ बीमार पड़े हम वहाँ बच्चा घर बीमार पड़े हैं और उन्हें छोड़ के हम यहाँ पड़े हैं, तो हमें का कोई शौक है हमें जे हमारी जे सुन लें सुनवाई कर लें तो काय ऐसे जाड़े भीड़ में पड़े रहें, या फिर हमें कुछ ला के दे जाए तो हम खाए खाए नहीं सो जाए, कोई चीज़ हमें ऐसी ला के दे दें हम सब सो जाए यहाँ खाए खाए के, उनके चैन तो पड़ जाएगा उन्हें तो हमारी जो कुछ है संपत्ति उन्हें मिल जाएगी, जो हमें हमारी न सुन रहे तो हमें कुछ ला के दे हम खाए के सो जाएंगे सब लोग, जब हमारी ना सुनते तो और का जब अहेरिया समाज की कोई ना सुनाई, जब हम तुम्हारे बामे बजट में ना आए तो हमें तो कुछ ला के दे जाओ या हमें बाहर भेज दो जहाँ से, हिंदुस्तान में रखाओ ही मत, हमारी वोट ही मत लो, मत हमारी जाति को दो, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन अहेरिया समाज के साथ लगातार अनदेखा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा तो नाश, हमारा नाश, सबका साथ विकास है लेकिन हमारा अहेरिया समाज को नाश, बेटी पढ़ाओ हाँ बेटी कहाँ तो पढ़ा लें बेटी पढ़ाएंगे खूब पढ़ाएंगे बेटी, हमारे वो जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे खूब पढ़ाएंगे बेटी पढ़ाएंगे बेटों को पढ़ाएंगे, हमें कोई शौक है हम जंगल में तुम्बार की लड़का दरोदरा चार उंटी सूदी सुन के घर बैठ जाते हैं, आया कि बड़े आदमी मजदूरी को ले जाते हैं मजदूरी करवा लेते हैं पैसे तक नहीं देते हैं, हम कितने सामने करने पड़े हमें पता हम कितने सामने कर रहे हैं उनके छुआछूत भी छुआछेत, उनका दूर खड़ा रहियो
दूर खड़े रहियो, पैसा ले गए बड़े आदमी है, मैं खड़े रहा भाई और चप्पल पहन के जाएगा मैं भागड़ो। हाँ मंदिर पे दुनिया पूजा पाठ कर रही है, हम घर बैठे बैठे देख रहे हैं, हमारा कोई हमें कोई छुआ छेत बंद मंदिर में हमें काउ मेरे चढ़न देता, मंदिर में मंदिर की चल रही है क्या, हमारे सामने ना आमन देता मंदिर के, हमें मंदिर जावे की तो बहुत अच्छी बात है कि पहुंच जाए तो बढ़िया है, लेकिन हमें तो सामने एक ना लेकर देता, मंदिर के सामने है कि मत लेकर जा, वहाँ है कि लेकर जा, उधर है कि जाना, हमारे पास इतनी अन्याय है रो ना, इसी जाऊ जमाने में योगी मोदी सरकार में दोनों एक एक ही सरकार में दोनों ही बैठे हैं और फिर हमारे साथ ऐसे हीरो है, क्यों हीरो है, हम पे वोट ले लेता बार बार भेकाए 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 के ऐसे हमारे कामों में तो करवाया है भेक भेक के, जो हमारा हमारी मोदी सरकार में ये काम है वो दुनिया के काम मोदी सरकार ने करे, काऊ के बामे शासन में वो ना बनो मंदिर, मंदिर कैसे बनवा दे मोदी ने, काऊ के जमा बामे राज्य में नोटबंदी ना भाई, नोटबंदी कैसे कर दी वो सबने सरकार ने मानी, सबने मानी बामे कोर्ट में तू ना काऊ ने मने करी, और हमारी जाति को कोर्ट में मने कर देते तो हमारी जाति को जो करेंगे तो कोर्ट में हमारी जाति आवेगी नहीं, बताओ जब सबको कर रहे हैं तो हमारा करो। मैं जो आपके लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं बेचारे, तो जात प्रमाण पत्र की वजह से जब आपसे बोलते हैं कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो हाँ कैसा लगता है? तो कैसा लगता है जब कुछ है ही ना हमारे पास, तो कैसा लगता है, ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ हो तो हम देते तुम्हें लेकर के, मजबूर हो जब हमारे पास है ही ना तो हम का दें तुम्हें, तो बच्चे कहते हैं तुम इतने दिन से सोते ही रहे कुछ ना करो तुमने, अरे करें कहा, हमें जो दूसरी जाति कुछ कर लेंगे तभी तो हम करेंगे, हम लोग आपके हाथ बंधे मजबूर हो जाते बंधे मजबूर है रहे हमारे हाथ। जिला अलीगढ़ से बाबूलाल मेरा नाम है, मैं मोदी ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, अब ये बताओ बच्चों को कैसे पढ़ाए, सरकार ये सबका भला कर रही है, एक अहिरिया जाति का भला नहीं कर रही, ये बताओ हम भारत के नागरिक नहीं है, है? हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, हमको अंधकार में डाल रखा है इन्होंने, हम दो बार से इनको चुनाव में इन्हीं को हम वोट देते चले आए हैं, मगर इन्होंने हमारी तरफ वोट लेके फिर उजक के भी नहीं देखते हैं, और हम इन्हीं को सपोर्ट और वोट सपोर्ट इन्हीं को करते हैं हम, और झूठी कसम खाते हैं मंदिर पे, हम इनकी बेकाई में आ जाते हैं और हम इनको वोट देते हैं और हैडे के बाद में फिर कि हमको उजक के भी नहीं देखते हैं, ये बताओ हमारे बच्चों के लिए एडमिशन नहीं बंद हो रहे, सब पढ़ाई बंद हो रही है, और हम क्या करें बताओ, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और अब पढ़ा में लिखा में तो कैसे लिखा में, अब एडमिशन भी बंद हैं, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हैं हम भारत से निकल जाएं क्या, या अपना मोहम्मदन धर्म अपना ले बताओ, जब ये सरकार नहीं हमारा सुन रही है तो हम क्या करेंगे, अपना मोहम्मदन धर्म अपनाएंगे, भाई इन्होंने सबका भला किया मगर हमारी तरफ इन्होंने उजक्के भी नहीं देखा, जबकि हमारी 18-20 लाख करीब की वोट है, मगर मोदी जी योगी जी हमारी तरफ तो इन्होंने कैसा भी नहीं देखा, ना हमारे बच्चों की तरफ देखा ना हमारी तरफ देखा, देख सकते हैं मतलब अहिरिया समाज के जो लाखों में इनकी संख्या है कि ये कोई भी सरकार गिरा सकते हैं, कोई भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन कोई भी ये योगी आदित्यनाथ सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अहिरिया समाज का हाल अहवाल नहीं लिया जा रहा है, निदा क्या कुछ बोलेंगे? मेरा नाम धर्मपाल है, जिला अमरोहा के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने यही है साहब के ये बच्चे जो हमारे जो रुक रहे हैं बगैर पढ़ाई के बगैर सर्टिफिकेट जारी ना होने से, तो इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते, सबसे बड़ी समस्या है, कुछ पढ़ भी लिए हैं तो वो अपने जैसे तैसे भी पहले समय काट के अपने कहीं जाते हैं सर्विस में, तो उनके लिए भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो उनके लिए भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता, जब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो समस्या का सुधार हो, और इन लोगों को लिए तो देखो वोट की बात तो ऐसी है, हम दो योजना ये हो गए, दोनों योजना से इनको हमने वोट दिया है, क्योंकि हमें भी युवा में चलो ये कर देंगे, मंत्रियों से पहले से मिलते आ रहे हैं हम लोग, भाई साहब हमारा काम हो जाए हमारा काम करवा दो, हाँ जी तुम्हारा काम बिल्कुल पक्का करवाएंगे, जब इलेक्शन आता है ना तो सभी पार्टियाँ आती हैं, लेकिन हम इनके साथ रहते हैं पहले शुरू से ही, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मैं चलो भाई ये हमारा काम कराएगी, किसी से नहीं करवाया अपनी यही कर दें, किसी से नहीं हुआ तो यही कर दें, लेकिन इन्होंने भी आज तक सब कान पर टालते आ रहे हैं, अब हमारी धरना पीछे भी रही थी 5-4 दिन,
अब फिर दोबारा धरना 9 तारीख से फिर बैठे हैं हम धरने पर, ये फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर। और रोजाना योगी योगी दरबार में रोज़ हमारे 2 आदमी जाते हैं डेली, लेकिन ना वहाँ योगी जी मिलते हैं ना और 1-2 आदमी आता है। वो अपने जो हम लेके जाते हैं अप्लीकेशन हाथ में ले लेते हैं, साहब तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ, जब कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई सलाहसूद हमसे नहीं रहे, हम कह रहे चलो 5 आदमी नहीं तो 4 आदमी 3 आदमी 2 आदमी कुछ तो बताओ हमें भाई, कुछ तो हमारी समस्या का समाधान निकालो, या तो हाँ करो या ना करो। भाई भूखे प्यासे रहे हैं यहाँ, कोई बाबा तो खाने को देता नहीं, जैसे तैसे अपने चंदा वंदा उघा घू के यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, गरीब आदमी समाज से ये सारे इतने पढ़े लिखे इसमें है नहीं ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे करके सबसे बड़ी समस्या हो गई हमारी जाति प्रमाण पत्र की, क्योंकि पहले से जो था काम चलता था लिखित से काम चल जाता था, ऐसे ही पटवारियों से अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करा लिया, काम करा लेते थे आगे, लेकिन अब हो गया काम सब नेट पर। अब नेट समस्या में सब देख लेते हैं, हाँ भाई ये तो जाति ही नहीं है तुम्हारी, हम कहाँ से बना के दें, कोई नहीं सुनता, सब फटकार देते हैं, जाइए हमारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा, जब तक ये सूचीबद्ध नहीं करा जाएगा हम कुछ नहीं ले सकते आपके लिए। ये समस्या हमारी सरकार है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन अब जात प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या कुछ करें। ये जाति प्रमाण पत्र है नहीं तो क्या करें, सारी दिक्कतें तो यहीं हो गई। भाई बच्चों के लिए परवरिश करके पैसे ऐसे पालते हैं, उनके लिए फिर पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, मजदूर आदमी है, और उसमें भी दाखला ना हो तो क्या क्या समस्या अटकी, सारी समस्या तो यहीं अटकी पड़ी, सब फिर ऐसे ही रह जाए बच्चे भी। ये सारा नेट सिस्टम होने से जब से सारा ही काम खराब है, खाली वो नारा दे रहे हैं बस जी, वो यही नारा है भाई, हमें नारा तो उनका खाली है, खाली मान रहे हैं हम तो, सबका विकास सबका साथ, बेटी पढ़ाओ बेटी बेटा पढ़ाओ बेटी विकास करो, तो क्या काय का विकास कर रही है बताओ। और इनसे हम जुड़े हुए भी बहुत दिनों से, ये नहीं आ सके आज, जो 2 सत्ता इनका 2 योजना इनकी हो गई, दोनों योजनाओं में हमें वोट दिया है, लेकिन हमें आशा थी इनकी जरूर कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, बताओ 10 दिन बालक बच्चे घर पर हैं, कैसे समय काट रहे होंगे, जाड़ा है बुखार है ठंड में भी यहाँ हम भी मर रहे हैं, वहाँ भी बीमारियाँ भी हर जगह, तुम जानो बीमारी का प्रकोप इतना, कोई कोरोना चल रहा है कोई कुछ चल रहा है, कैसे समय काट रहे होंगे बच्चे, कमाने वाले यहाँ हैं सब मजदूर बाल्टी है, बताओ कैसे गुजर होगी इन आदमियों को। टोकरे बनाने वाली बाल्टी है सब, टोकरा बना दिया, शिकार भी करती है, पहले टोकरे वोकरे का काम करती थी, और अब मजदूरी अपने वो ठेली वेली लगाते हैं, और यही अब इनका धंधा है, और कोई इनके पास साधन है नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इस टाइम आकर के, जब से नया सिस्टम चल गया, कोई कुछ बनाता नहीं देता कुछ भी।